नमस्कार, आप देख रहे हैं और घटनी उच्च फोर खगड़िया से है। बेलदौर पंचायत के वार्ड नंबर 3 फरेबा बासा में रह रहे किशोरी साह के बीती रात्रि अपराधियों ने कई जगह चाकू गोद गोद कर हत्या कर दी। बता दें कि किशोरी साह अपने बासा में बने घर में अकेले सो रहे थे कि बीती रात्रि करीब 11 बजे अपराधियों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़ कर किशोरी साह के बासा पर पहुंचा तो किशोरी साह खून से सना मृत पड़ा देख ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। बाप मैं कल के हमें उठ के हे कोना पर लिए ये हमरे घर छी जी कोना पर उठ के लिए कथी गल्ला छी हो ते ए जंग रहे मतलब से लक्ष्मण ले दौड़ के बद्री ले दौड़ के कल के ओ बुढ़वा सपना आबै छी ते वास्तवे में एक बेर और देख लिए बुढ़वा एना करे रहे तम कलि होय सके सपने बे करे हुए तकरा बाद में ओ शांत भए गेले बाप में करना छोड़ दिल के तभी बद्री से ओय में जो बाप में करना छोड़ दिल के केसौरी हो केसौरी का हो केसौरी का हो नहीं बोल ले तम तो यहाँ 5-7 आदमी जमा भए गेलिए तो कलिए बुढ़वा बोले नहीं छे मतलब हँसिए के मर तो नहीं गेले की भए गेले बुढ़वा के बोले नहीं छे तो सब गोटे विचार कलिए देखबे करो तो हमरा आर के हे हड्डी जो रहे ना कलिए लागल छे लेकिन एना के साह लक न तो खुल्ले रहे तो वही देख ढुक के सबटा ओ जंग देखलिए जहना देखलिए ओकरा खून अलगे से बस पाछू हमरा हट गेलिए हमरा के कपार धुने लागलिए एक बाप रे बाप जुलुम आ गेलै ई त छुरा मार देल बस इएह बात मतलब भेलै तकरा बाद में ई नरेश ओकरा बेटा के फोन कैलकै तो ओकर बेटा पुलिस लै के अयलै देखलकै पुलिस जे ओकरा रहे करै के कैलकै लाश के लै गेलै ठीक है। आपका शुभ नाम? हाँ, आपका शुभ नाम? कैलाश साहब। साहब पता चला कि मैंने दो बेर वो हल्ला किया। कौन? किशोरी साहब। तो उस पर मैंने हमरा के नींद टूटा, बहुत नींद में था, थकल मलर हमरा के नींद में पड़ गेलिए तो हल्ला भेले तो हमरा के जे सुन लिए दो बेर आवाज सुन लिए तो दौड़लिए तो सभे कोई दौड़लिए सब आवाज मार लिए की रहे तो सब कोई अल सपना बै रहे कभी कभी सपना बै रहे माय गो बाप रो करे हाँ कभी पौर खुना धान रख लिए रहे तो सुतलिए रहे तो वो सपना बै रहे हाँ तो एक ख्याल से हमरा के कुछ सपनों में कह के हमरा के सिर भाग लिए चिकरलिए की रहे लोग सब अपने सब झोठा उठा सब दौगले वो बात पर उन्हें से कैलाश अल से बद्री दुनू जीव अल हाँ तो एक लिए सब जुट गलिए तो हमरा के हिम्मत नहीं चलने कि जे घर खोल के देखिए कि की करके देखिए हाँ तो पूछे लागल वो में डंकफार मारे लागल नहीं आवाज करे लागल के बाद हमरा के तब कहें उपाय नहीं फिर बोले किया नहीं अबरी बोले नहीं से सपने वो करती है तो बोलती है हाँ तो एक लिए हमरा के सचोच भाग गए तो उठाए तो क्या देखे उसका ढड्डी उठाए तो क्या देखे उसका ढड्डी दिखाया तो सभी आदमी जलानी मरे सब देखा उसको क्या देखे कि मरा पड़ा हुआ मरा पड़ा हुआ है। आपका नाम? हमको लक्ष्मण सादा है। घर यह फरेबा बसा है। ठीक है। ऐसे पता चला कि फलना व्यक्ति की हत्या हो गई? पैसा हम मेरे भाई गया बोलने के लिए चल ऐसे से हत्या हो गया है। सभी ग्रामीण को हल्ला किए, वार्ड सदस्य को जब बोलने गए, पंच को जगाए, सबको वो खबर किए, सभी ग्राम मिल के दरवाजा उठाया, देख रहा उसका मर्डर हुआ। किसका? किशोरी साह का। कितना बजे घटना है ये? साढ़े 11 बजे। साढ़े 11 बजे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजू सादा। ठीक। बीते रात्रि रहवासम जो घटना घटी ये कैसे घटी, कारण क्या था? देखिए पत्रकार महोदय, हमको सूचना रात के लगभग 1:15 बजे मिली, तो हम वहाँ से बाजार आए, वहाँ से थाना प्रभारी को फ़ोन किए, उनके द्वारा फोर्स भेजा गया, उसके बाद उसके परिवार के लोगों के साथ हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे फरेबासा ग्राम में, जहाँ की किशोरी साह मृत अवस्था में पाया गया, खून से पूरा लथपथ, उनकी
चाकू से रोड कर हत्या की गई है। अब कारण जो भी हो लेकिन हत्या रात हुई है और हम लोग 2 बजे से लगभग 4 बजे शाम सुबह तक हम लोग वहाँ रहे। इसके बाद लास्ट मास पोस्टमार्टम के लिए निकली, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर गए। दिलदौर प्रखंड में लगातार हो रही हत्या, इससे 2 दिन पूर्व वैसी जलकर्म हत्या हुई थी, फिर बीते रात्रि फड़ेवा वसम हुई, इस पर आप क्या कहते हैं? हालांकि कुछ दिनों से मेरे बेलदौर प्रखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, छीनतई बढ़ी हैं, चोरियां बढ़ी हैं। आज सुनते हैं कि एक मोटरसाइकिल भी चोरी हुआ है बेलदौर बाजार से, और कुछ दिन पहले भी लगातार बाजार से मोटरसाइकिल की चोरी हुई है, और दो कल की परसों 3 डोभा में भी छीनतई हुई है। हालांकि हमारे बेलदौर प्रखंड में बहुत ही स्थिति अभी ख़राब है, यहाँ चोरी की घटना, छीनतई की घटना, हत्या की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माननीय SPI महोदया से हम चाहेंगे कि यहाँ की बेलदौर प्रखंड को उचित स्तर से देखते हुए, उचित कार्रवाई करते हुए यहाँ शांति व्यवस्था बहाल करवाने की कृपा करें। आपका सुन विकास कुमार, प्रखंड प्रमुख बेलदौर।